तो दोस्तों, अगर आप भी एक ईमेल आईडी क्रिएट किए हैं और ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद दोस्तों आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोस्तों आप उस ईमेल आईडी का पासवर्ड को आप कैसे पता कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीके बताएंगे, जिस दो तरीके की मदद से आप अपने भूले हुए ईमेल आईडी का पासवर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक ईमेल आईडी क्रिएट किए हैं और ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है। इस दो तरीके की मदद से आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड आप 100% आप पता कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे भी आपको ईमेल आईडी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोज मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं और अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को पता करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे, जिस तरीके की मदद से आप 100% आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आप पूरी ध्यान से जरूर देखना, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पहला तरीका बता देते हैं। तो दोस्तों, पहले तरीके से अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गूगल क्रोम होता है, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताएंगे। एंड गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। एंड थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन, तो आपके यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि देख सकते हो पासवर्ड मैनेजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड पासवर्ड मैनेजर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो google.com। तो दोस्तों, अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को पता करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो google.com, ठीक है। तो आप यहाँ पे google.com वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड google.com वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल फोन का जो भी स्क्रीन पासवर्ड होगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अनलॉक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं। एंड अनलॉक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा आपका ईमेल आईडी, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पासवर्ड जो कि यहाँ पे पासवर्ड हाइड किया हुआ है। जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाता है। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट तरीका, जिस तरीके की मदद से आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका और भी आसान है, जो कि उस तरीके की मदद से आप 100% आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए, दूसरे तरीके से अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को पता करने के लिए आपको इससे बाहर हो जाना है। एंड बाहर होने के बाद अपने मोबाइल फोन के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना, उस सेटिंग को ओपन कर लेना है, जो कि देख सकते हो ये मेरा सेटिंग। तो अपने मोबाइल फोन के अंदर जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है, आपके यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि देख सकते हो गूगल। तो आपको यहाँ पे गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड गूगल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वाटर फिल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे वाटर फिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ऑटो फिल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फिल विथ गूगल। तो आपके यहाँ पे ऑटो फिल विथ गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ऑटो फिल विथ गूगल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल पासवर्ड मैनेजर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे गूगल पासवर्ड मैनेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गूगल पासवर्ड मैनेजर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे google.com यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि देख सकते हो। यहाँ आपको google.com वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड google.com वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका फिर से आप जो भी मोबाइल का स्क्रीन लॉक होगा आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड स्क्रीन लॉक ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ईमेल आईडी, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट डॉट में ये मेरा पासवर्ड है, जो कि आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड अपने आंखों पे देख सकते हो। तो जो कि मैं आपके यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। सो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से दो तरीके से आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को पता कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पे लाइव कंप्लीट प्रोसेस बता दिए। तो दोस्तों जाइए, अगर आप भी आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो दोस्तों आप इस दो तरीके की मदद से आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को आपको कैसे पता करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा।
चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे भी आपको ईमेल आईडी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोज मिलते रहेगी। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।